Good afternoon, student. Today we will do some exercise of chapter number 3, that is input devices. I think most of you have written the name of the chapter like this, so no need to repeat it again. Today we will do tick the correct statement and cross the wrong ones. Once again I repeat, this heading must be with black pen and rest of the statements with blue pen. हेडिंग को आपको ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी स्टेटमेंट्स आपको ब्लू पेन से लिखना है और ट्रू फॉल्स या टिक क्रॉस वो भी आपको ब्लैक से लिखना है. ठीक है. सो नंबर वन, ए जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. क्या जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है? यस, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. सो पुट अ टिक मार्क और ट्रू. राइट ट्रू और पुट अ टिक मार्क. आप टिक भी कर सकते हो, ट्रू भी लिख सकते हो. देन लीव अ लाइन. नेक्स्ट बी, लाइट पेन कंसिस्ट ऑफ अ फोटोसेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल टेप. लाइट पेन में फोटोसेल और ऑप्टिकल सिस्टम एक स्मॉल टेप पर रहता है. सो इट इज रॉन्ग. क्रॉस लगाओगे because light pen consists of a photocell and an optical system placed in a small tube, not tape. Tape नहीं होगा बेटा, ये tube होता है, इसलिए ये false है. C, OMR is used to input music. Is it true? No, it is false. So put a cross mark or write false. OMR is used to read input data, not input music. It is not used to input music, it is used to read input data. D, micer input device is generally used in home. This is also cross, false. Put a cross mark or write false, because micer input device is generally used in banks. So I repeat, A, joystick is a pointing device. It is true. Light pen consists of a photocell and an optical system placed in a small tape. It is false, or put a cross mark. C, OMR is used to read input music, so it is also wrong. So put a cross mark or write false. Micer input device is generally used in home. It is also false. After this, you have to do this in your fair copy. If you are having space after this, you can write or do question answer under it. आपके पास अगर जगह है तो आप नीचे से question answer लिखना शुरू करोगे. Answer the following question. This must be with black pen. Question with black pen and answer with blue pen. क्वेश्चन को आप ब्लैक पेन से और हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिखोगे और उसके बाद आप आंसर को ब्लू पेन से लिखोगे. और डेट मेंशन करना नहीं भूलना. जिस दिन जो काम कर रहे हो उसका डेट जरूर आप ऊपर लिखोगे. क्वेश्चन वन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट दैट यू कैन गिव टू अ कंप्यूटर. व्हाट आर द इनपुट्स यू गिव टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को आप किस किस तरह के इनपुट्स देते हो. तो आप कंप्यूटर में साउंड, वर्ड, नंबर, इमेज, वीडियो, इस तरह के आप इनपुट आप कंप्यूटर को देते हो. तो आंसर आपका होगा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स दैट वी कैन गिव टू अ कंप्यूटर आर वर्ड, नंबर्स, सिंबल्स, साउंड्स, इमेजेस, वीडियोस, एक्सेट्रा. वर्ड, नंबर, सिंबल, साउंड, इमेज, वीडियो, एक्सेट्रा. इनके बीच में आप कॉमा लगाओगे एंड आफ्टर दिस लीव अ स्पेस और ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. अगर आप चाहो तो एक स्पेस छोड़ सकते हो या एक लाइन आप स्केल से खींच सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, राइट द यूजेस ऑफ जॉयस्टिक. जॉयस्टिक के क्या क्या यूज हैं वो आपको लिखना है. तो हम क्या क्या करते हैं जॉयस्टिक से. हम कर्सर की पोजीशन का पता लगाते हैं और जॉयस्टिक से हम वीडियो गेम खेलते हैं,
कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग करते हैं। तो अब हम आंसर ऐसे लिखेंगे, यूजेस ऑफ जॉयस्टिक। नंबर वन, जॉयस्टिक इज यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। जॉयस्टिक से हम कर्सर की पोजीशन या कर्सर को मूव करते हैं इस मॉनिटर पर। नंबर टू, इट इज मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग विद इन ब्रैकेट राइट CAD, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। सो जॉयस्टिक इज यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन एंड इट इज मेनली यूज्ड इन अ कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। सो यू हैव टू डू दिस इन योर फेयर कॉपी in a neat and tidy manner, and after this in our next video we will do some remaining questions. So beta, do this work in your fair copy, and your homework is that you have to learn all these questions and whatever exercise we have done in a copy, in your copy you have done your whatever work, you have to learn it. So revise it, learn it. Okay, thank you.